दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, यहाँ के विधायक, मेरे साथी डायरेक्टर एजुकेशन, अन्य ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों और यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने पूरा स्कूल घूमा, बहुत ही शानदार स्कूल बनाया गया है। सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी के उन सभी इंजीनियर्स और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इतना शानदार स्कूल बनाया। उस कॉन्ट्रैक्टर को बधाई देना चाहता हूं जिसने इतना शानदार स्कूल बनाया। और मैं देख रहा हूं कि स्कूल को बनाने वाले आर्किटेक्ट चौहान साहब बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई चौहान साहब इतना अच्छा स्कूल और डिजाइन करने के लिए बच्चों के लिए। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया कि ये स्कूल 1985 में बना था, 1985 से अभी तक 37 साल हो गए। इन 37 सालों में इस पार्टी की सरकार भी आई और उस पार्टी की सरकार भी आई, लेकिन स्कूल किसी भी पार्टी के पॉलिटिक्स में अहमियत नहीं रखते थे। स्कूलों को ठीक करना, बच्चों को शिक्षा देना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये कोई बात ही नहीं होती थी राजनीति के अंदर। कोई ना कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, ना बीजेपी कहती थी कि हम आए तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हम आने के बाद बस यही कहते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। हमारी तो पूरी की पूरी राजनीति बच्चों की शिक्षा के ऊपर आधारित है। 37 साल के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारें आई, किसी पार्टी ने आपके टिन वाले स्कूल को ठीक करने की नहीं सोची। लेकिन कहते हैं कि हम तो केवल वो हैं, मींस हैं, ऊपर वाला करवाता है। तो ऊपर वाला शायद इंतजार कर रहा था कि एक दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और वो दिल्ली के सारे टिन वाले स्कूलों को शानदार बनाएगी। केवल आपका नहीं, दिल्ली के अंदर जितने टिन वाले स्कूल थे सारे टिन वाले स्कूलों को तोड़ के और शानदार इसी तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। पहले एक गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में आता था तो उसके अंदर बहुत हीन भावना होती थी कि मैं कैसे स्कूल में जा रहा हूं। उसी घर के अंदर, एक ही घर के अंदर राजनीति में आने के पहले हम भी एनजीओ में काम करते थे, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे लोगों के साथ। एक ही घर के अंदर एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी को सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहां पढ़ाई नहीं होती थी। बेटे को किसी तरह से पेट काट के माँ बाप आसपास के छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में भेज देते थे। उसी के अंदर हीन भावना रहती थी बेटी के अंदर कि मैं तो बेकार के स्कूल में जा रहा हूं। उसे लगता ही नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हूं, बस ये था इतनी पढ़ जाएगी, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाएगी, फिर शादी कर देंगे। लेकिन अब जिस किस्म के सरकारी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, ये बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने जा रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। अब जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं वो हीन भावना नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं और हम भी भारत माता के सपनों को साकार कर सकते हैं, भारत के विकास के अंदर हम भी शामिल हो सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस अब हमारे बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। आज जितनी ये बच्चियां आई हुई हैं, इनके चेहरे के ऊपर जो खुशी और जो चमक दिखाई दे रही है, जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन पेरेंट्स के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ, अब हमारा बच्चा परिवार के लिए, बड़ा होकर परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता है। पहले गरीब घर के अंदर माँ बाप यही सोचते थे पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, स्कूल में भेज के क्या करेंगे, टाइम खराब करता है, इसको काम पे लगाओ, दो पैसे कमा के तो लाएगा। अब वो खत्म हो गया है दिल्ली के अंदर। एक के बाद एक शानदार स्कूल पूरे दिल्ली के अंदर बन रहे हैं। कुछ बिल्डिंग रह गई अब,
जो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि कितनी और बिल्डिंग रह गई हैं, कुछ चंद बिल्डिंग रह गई हैं, बाकी दिल्ली सरकार के सारे स्कूल लगभग इसी किस्म के, इसी स्टैंडर्ड के स्कूल बन गए हैं। इस स्कूल में, इस अच्छे स्कूल में बच्चों को आने का मन करता है। बच्चों से मैं मिलता हूं, बच्चे कहते हैं जी पहले स्कूल जाने का मन नहीं करता था और अब स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता, हमें लगता है हम स्कूल में ही बैठे रहे, है ना। हाँ, अब बच्चों का मन करता है कि क्लास में ही बैठे रहे, लैब में ही बैठे रहे, स्कूल में ही बैठे रहे। इतना शानदार ऑडिटोरियम है ये, मैं चैलेंज करता हूं दिल्ली के 99.9% स्कूलों में इस तरह का ऑडिटोरियम, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम आपको नहीं मिलेगा। इतना शानदार स्कूल आप लोगों को मिला है। अब हमारे सामने दो तीन चैलेंजेस हैं। एक तो आप लोगों के का प्यार है, दिल्ली के लोगों का प्यार है, अब आपने एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम लोगों को दी है। अब एमसीडी के भी लगभग 1800 स्कूल हैं, इन सारे स्कूलों को भी अपने को ठीक करना है। पांचवी क्लास तक बच्चे वहां पढ़ते हैं, पांचवी के बाद छठी से यहां पे आते हैं, तो छठी के बाद बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है टीचर्स को जो पांचवी तक पढ़ाई नहीं हुई उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि पहली क्लास से, नर्सरी से, केजी से ही उन बच्चों की फाउंडेशन ही अच्छी बननी चालू हो। तो अब एमसीडी के भी सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। जब दिल्ली सरकार के सारे स्कूल 5 साल में ठीक कर दिए तो एमसीडी के भी सारे स्कूल 5-7 साल तो लगेंगे, लेकिन हो जाएंगे सारे के सारे स्कूल ठीक। दूसरा, में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम, पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, हाथ में डिग्री भी है, नौकरी नहीं मिलती। फिर आदमी के मन में आता है यार पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ, डिग्री लेके घूम रहे हैं, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, वकीलत की, नौकरी नहीं मिल रही, सारे नौकरी ढूंढ रहे हैं, वे नौकरी नहीं मिल रही। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर नौकरी ना मिले, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ना मिले, तो बुरा मत मानना, फिर उस पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। नौकरी मिलनी, जॉब मिलना, रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई कम से कम मेरे को इतना तो काबिल करे कि मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पेट तो पाल सकूं, उनको बड़ा तो कर सकूं, उनको घर तो चला सकूं, इतना तो पैसा कमाऊं। इसके ऊपर अब अपने को काम करना है। तो जो आतिशी जी कह रही थी कि हमने जो ये बिजनेस ब्लास्टर्स और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चालू किया है, ये उसी दिशा के अंदर एक कदम है। अब हमें इस तरह से करना है कि एक एक बच्चे के ऊपर अब अपने को ध्यान देना है। 12वीं 11वीं 12वीं से निकलने वाले जो बच्चे हैं, एक एक बच्चे के ऊपर हम ध्यान देंगे, उसके करियर पे ध्यान देंगे कि वो आगे चल के क्या कर सकता है, क्या करेगा। ऐसा नहीं 12वीं कर ली अब जाओ अपना जो करना है करो हमारी बल्ला से, तो वो नहीं। एक एक बच्चे पे अपने को ध्यान देना है। उनको अब तैयार कर रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के जरिए कि हर बच्चा बिजनेस करने के लिए तैयार हो और वो 11वीं क्लास से बिजनेस करना चालू करे, पढ़ाई भी करे और साथ साथ कुछ बिजनेस भी करे। उसको एक नया बिजनेस करना सिखा रहे हैं ताकि 12वीं करने के बाद वो कॉलेज में भी जाए लेकिन अपना एक बिजनेस 11वीं क्लास से अगर छोटा मोटा काम शुरू हो गया तो बच्चे का जो दिमाग है वो इस दिशा में नहीं चलता कि मेरे को नौकरी ढूंढनी है। फिर बच्चे का दिमाग इस दिशा में से चलता है, अच्छा ये भी कर लूं मैं, ये भी कर लूं मैं, ये भी कर सकता हूं। उस बच्चे का दिमाग बिजनेस करने की ओर चलना चालू हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। पिछले 3 साल से बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली की क्लासेस के अंदर। अब इससे सीख के हम कोशिश करेंगे इसको और रिफाइन करने की ताकि रियल बेसिस के ऊपर हम बच्चों को तैयार कर सके कि वो निकलने के बाद बिजनेस करना चालू करें। और यही मैंने कहा था कि अगर कॉलेजेस के अंदर हम अब शुरू करने जा रहे हैं, 11वीं 12वीं के बाद तो फिर भी बच्चे को आगे पढ़ना होता है, आगे कॉलेज जाना होता है, लेकिन जो बच्चा बीए पास होने वाला है, बीएससी पास होने वाला है, बीकॉम करने वाला है, उसको अगर 1 साल पहले से कॉलेज के अंदर ही बिजनेस करना सिखाना चालू कर दें तो वो निकलने के बाद फिर वो नौकरी ढूंढेगा नहीं, वो बिजनेस करेगा और आसपास के 3-4 लोगों को, कम से कम अपने परिवार वालों को तो अपने काम में लगा ही लेगा, अपने 2-4 पड़ोसियों को तो अपने काम में लगा ही लेगा।
हर बच्चा अगर बिजनेस करने लगेगा तो तीन चार नौकरियां हर बच्चा तैयार करेगा, तभी हमारे देश के अंदर से बेरोजगारी दूर होगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सरकारी नौकरियां इतनी हो जाएंगी कि सबको सरकारी नौकरियां मिलें, वो कभी नहीं होने वाला। हमें अपने बच्चों को इस दिशा के अंदर तैयार करना पड़ेगा, और पिछले 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में, वो बहुत अच्छा रहा है। बच्चे सोच रहे हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे 12वीं क्लास में, 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 3 लाख बच्चों को जो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में किया तो 52,000 टीम्स तैयार हुई हैं। एक एक टीम एक एक बिजनेस आइडिया पे काम कर रही है, कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं, कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं, कोई बच्चे कुछ कर रहे हैं, और कई मैंने स्टोरी सुनी है जिसमें बड़ा शानदार बच्चे बड़ा इनोवेटिव तरीके से क्रिएटिव तरीके से काम कर रहे हैं। इसको अब आगे बढ़ाना है। मेरे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा का अल्टीमेट ध्येय एक ही, ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, जॉब्स 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 एंड जॉब्स। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके बिना हम सबको हाथ में डिग्री दे दे के बाहर भेज दें उसका कोई फायदा नहीं है। इस पे अब काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस ने ये दिखाया है कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है, अच्छी नीयत चाहिए और सब मिलके करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।